अब हम सिलिकॉन के ही एक और यौगिक के बारे में जानेंगे, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स एक प्रकार का बहुलक है जिसे हम अकार्बनिक बहुलक भी कहते हैं। जैसे कि कार्बन का जो एक कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसे हम कीटोन के नाम से जानते हैं और उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं R2CO, इसी तरह से जो सिलिकॉन्स है उसके भी यौगिक को हम लिख सकते हैं R2SI। तो R2SI यहाँ पर कहलाएगा सिलिकॉन्स। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RnSiCl4-N। तो ये जो सिलिकॉन्स होते हैं, वास्तव में इसका जब निर्माण किया जाता है तो इसमें एल्किल या एरिल जो प्रतिस्थापी होते हैं, और एल्किल एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड, वास्तव में इसके निर्माण के समय इनका प्रयोग किया जाता है। और जब ये बनाया जाता है तो इसमें कई पद शामिल होते हैं। तो मुख्य रूप से जो तीन पद हैं, पहला पद है माध्यमिक यौगिकों का निर्माण, इसके बाद है माध्यमिक यौगिकों का जलपघटन, और अंत में है एल्किल जो व्युत्पन्न है उनका बहुलीकरण। तो प्रत्येक जो पद है उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सिलिकॉन्स का निर्माण होता है और किस प्रकार से जो माध्यमिक यौगिक बनते हैं। तो सबसे पहले पद में एल्किल सिलिकॉन जब बनाया जाता है तो उसमें जो एल्किल सिलेन होते हैं या एल्किल क्लोरोसिलेन जो है उनका उपयोग किया जाता है, और इसमें सिलिकन और जो एल्किल क्लोराइड है उसकी क्रिया कराई जाती है कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जब एल्किल हैलाइड यानी RCl+SI कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा इसका, तो RSiCl3+R2SiCl2+R3SiCl3 बनता है। तो ये तीनों मिक्सचर बनते हैं। यहाँ पर जो ये मिक्सचर बना है ये वास्तव में एल्किल क्लोरोसिलेन है। तो ये जितने भी यहाँ पर एल्किल क्लोरोसिलेन बने हैं इन सब का मिक्सचर प्राप्त होता है और यही माध्यमिक यौगिक है, और इसी को बेस मानकर आगे इन माध्यमिक यौगिकों का जलपघटन होता है। तो जब इन यौगिक का जलपघटन होता है तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं R2SiCl2। R2SiCl2 का जब जलपघटन कराया जाएगा तो जैसा कि इसमें क्लोरीन के दो परमाणु हैं, जब जलपघटन होगा तो क्लोरीन के जो दो परमाणु हैं वो OH के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को आप समझिए, यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं R2SiCl2, तो R दो और Si और इधर हम Cl लगा देते हैं। इसका जलपघटन होगा तो दो जल के अणु हैं, और जो दोनों यहाँ पर Cl है Si के दोनों तरफ, इन दोनों Cl का OH के द्वारा विस्थापन होगा, तो बनता है OHSi, और Si के दोनों तरफ R है तो R2SiOH होल ट्वाइस बना प्लस 2HCl। तो दोनों Cl का प्रतिस्थापन हो गया OH के द्वारा। तो यहाँ पर जो माध्यमिक यौगिकों का जलपघटन हुआ उसके बाद जो एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं यानी R2SiOH होल ट्वाइस जो बना है उसमें जो सिलिकन परमाणु है उसमें दो OH परमाणु जुड़े हुए हैं, और इन OH परमाणुओं के कारण फिर इसमें संघनन होता है। संघनन का अर्थ ये है कि जब भी बहुलीकरण की क्रिया में संघनन की क्रिया होती है तो छोटे अणुओं का विलोपन होता है। तो जैसा कि यहाँ पर OH है, दोनों Si जब जुड़ते हैं, मतलब दोनों R2SiOH के दो यूनिट यदि जुड़ते हैं तो दोनों Si के साथ जुड़े हुए OH OH हैं, तो एक का OH और दूसरे Si से जुड़े हुए OH में से H, इनका जल के अणु के रूप में संघनन हो जाएगा और जल का अणु निकल जाता है, और इस प्रकार एक लॉन्ग चेन यहाँ पर बनती है। तो इसलिए ये एक बहुलक अणु जैसा व्यवहार करने लगता है। तो अब इसके जुड़ने की या संघनन की जो प्रक्रिया है उसको समझिए। यहाँ पर आप देखिए एल्किल व्युत्पन्नों का बहुलीकरण, अर्थात जो R2SiOH बना है, तो यदि हम R की जगह पर CH3 ले लेते हैं तो Si है, और R2 के जगह पर CH3 ले लिए तो दो CH3 हो गया, और OH और OH, ऐसा ही एक हम और अणु ले लेते हैं R2SiOH, R2 के जगह यहाँ भी हम CH3 ले लेते हैं, तो इस Si से जुड़े हुए OH और इस Si से जुड़े हुए OH में से इसका OH और इसके H का संघनन होगा H2O के रूप में, तो यहाँ -H2O होगा और एक संघनित उत्पाद जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग चेन बनती है, O, Si, Si से जुड़ा हुआ CH3,
फिर O और होल N, यानी इसके बहुत सारे अणु जो है वो आपस में संघनित होते हैं, और जितने अणु संघनित होते जाएंगे उस आधार पर यहाँ जल का अणु भी निकलता जाता है, इसलिए इसको होल N लिखते हैं। Si CH3 CH3, फिर ये लॉन्ग चेन है, तो ये जो लाइन यहाँ पर हम बना देते हैं इससे पता चलता है कि ऐसी एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर बनती है, और इस प्रकार से एल्किल व्युत्पन्नों का बहुलीकरण होता है और सिलिकॉन का निर्माण होता है। यदि इस चेन को तोड़ना होता है, चेन को यदि हमें बंद करना है, तो चेन को बंद करने के लिए यहाँ पर ट्राई मिथाइल सिलेन यानी ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड को मिलाया जाता है, CH3 होल थ्राइस SiCl को मिलाते हैं, तो फिर ये जो लॉन्ग चेन लगातार बनती जा रही है उसमें थोड़ा ब्रेक आएगा, तो ये चेन फिर स्टॉप हो जाती है बनना। तो ये किस तरह से क्रिया यहाँ पर होती है, तो इस लंबाई को, सिलिकॉन बहुलक की जो लंबाई है उसको नियंत्रित करने के लिए CH3 होल थ्राइस SiCl मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जब लॉन्ग चेन को तोड़ने के लिए जो CH3 होल थ्राइस SiCl की क्रिया कराते हैं उस रिएक्शन को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे OH SiCH3 है, ये यहाँ पर R2SiOH होल ट्वाइस को बताता है, और इसको यदि हमें लॉन्ग चेन को स्टॉप करना है तो यहाँ पर हम इसकी क्रिया करा रहे हैं Si के साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ है और एक OH, तो यहाँ पर भी संघनन होगा, इस Si से जुड़े हुए OH और इस Si से जुड़े हुए H के बीच क्रिया होगी और जल का अणु यहाँ पर बाहर निकलता है। जब जल का अणु बाहर निकलता है तो जो संघनित उत्पाद यहाँ बनेगा, यहाँ पर O SiCH3 CH3, फिर O और होल N कर देते हैं, और यहाँ पर ये लॉन्ग चेन जा रहा है तो SiCH3 CH3 और CH3, तो ये अब चेन जो है जैसा हमने पहले देखा था कि Si के साथ हमने एक लॉन्ग चेन बनाकर छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर चूंकि चेन को ब्रेक करना है तो Si के साथ लॉन्ग चेन नहीं बनी है बल्कि Si को CH3 तक ले जाकर छोड़ देते हैं, मतलब ये एक कंप्लीट कंपाउंड बन जाता है। बीच वाला जो है यहाँ पर हम होल एंड कर रहे हैं क्योंकि इस Si यूनिट में जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये यूनिट लगातार बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग चेन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि Si के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, अंतिम जो पद है वो CH3 है, यहाँ पर हम इसे खुला नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हमने एल्किल व्युत्पन्न का बहुलीकरण देखा था वहाँ पर हम Si के साथ एक चेन लगा दिए थे, मतलब यहाँ पर हमने CH3 पर स्टॉप नहीं किया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर चेन को कम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको उसकी लंबाई को घटा रहे हैं, इसके लिए ट्राई मिथाइल जो सिलिन है उसको मिलाया जा रहा है, इस वजह से यहाँ लास्ट में CH3 है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिलिकॉन की संरचना बनती है। इसमें हमने देखा कि सिलिकॉन बनते समय कई पद शामिल होते हैं जिसमें एल्किल क्लोराइड की क्रिया सिलिकॉन से कराने से लेकर चेन की लंबाई को कम करने तक का पूरा पद होता है। ये जो सिलिकॉन्स होते हैं इनमें कई प्रकार भी होते हैं, ये किस प्रकार से जुड़ते हैं और कैसे जुड़कर ये संरचनात्मक रूप लेते हैं उस आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रेखीय, क्रॉस लिंक्ड और चक्रीय। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है उसी आधार पर इसकी संरचना भी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रेखीय सिलिकॉन्स है वो किस तरह से बनता है। तो रेखीय सिलिकॉन बनने के लिए जो डाइक्लोरोसिलेन का जलपघटन कराया जाता है या फिर उसका बहुलीकरण कराया जाता है तो उससे ये रेखीय जो सिलिकॉन्स है वो प्राप्त होता है, और बहुलीकरण की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। जब ये बहुलीकरण लगातार चलता रहेगा, लगातार जब ये पूरा R2SiOH होल ट्वाइस ये लगातार कंबाइन होते रहेंगे, संघनित होते रहेंगे, तो एक लॉन्ग चेन, एक रेखीय संरचना बनती है और ये लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। तो जब यहाँ पर हम रेखीय संरचना को देखते हैं तो यहाँ जो सिलिकॉन्स है उसमें दोनों तरफ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह से क्रिया होगी कि एक सिलिकॉन जो मॉलिक्यूल है उससे जुड़ा हुआ जो OH है वो दूसरे के OH के H के साथ क्रिया कर लेता है और H2O के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरह से एक पूरी बहुलकीय संरचना प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर ये रेखीय संरचना के रूप में होगी। तो यहाँ रेखीय संरचना जो होगी सिलिकॉन्स की वो इस तरह से होगी OH SiR R, फिर O
अब इसके साथ एक और SI जोड़ेंगे तो यहाँ भी SI, R, R और SI और SI के बीच में एक और O है। तो इस तरह से ये लॉन्ग चेन लगातार बनता जाएगा। बहुलीकरण की क्रिया में जब लंबे चेन को रोकना होता है तो जैसा हमने देखा कि R3SiCl मिलाया जाता है, तो ये जो लॉन्ग चेन है जो लगातार बनती जा रही है, जिसे हमने होल एन करके समझा, वो लॉन्ग चेन अंत में रुक जाती है और एक बहुलीकरण की क्रिया यहाँ पर रुक जाएगी। तो लॉन्ग चेन की को रोकने के लिए, लॉन्ग चेन जो बनता जा रहा है उसको रोकने के लिए R3SiCl लगातार मिलाया जाता है। इसी में दूसरा जो प्रकार है वो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन का होता है। इसे हम द्विविमीय संरचना के रूप में भी समझ सकते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक पदार्थ होता है वो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन लिया जाता है और इसका फिर जलपघटन कराते हैं। हर स्थिति में जैसे हमने देखा एक रेखीय संरचना बनती है R2SiCl, तो इसी तरह से यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन और उसका फिर जलपघटन कराया जाता है। इसकी जब लगातार क्रिया होती है, जल अपघटित होता है, तो यहाँ पर क्रॉस लिंक संरचना बनती है। जो रेखीय संरचना होती है तो दो रेखीय संरचना बीच बीच में फिर ओ बंध से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इसकी संरचना में जो R SiCl3 है उसका पहले जल अपघटन होगा तो R SiOH3 बनता है। अब जब R SiOH3 बना, उसके कई सारे अणु, तो इसलिए इसे हम N अणु से दर्शाते हैं, तो इसके कई सारे अणु आपस में संघनित होते हैं। तो जैसे NOH SiOH OH और R, तो ये R SiOH3 है, तो इसके कई सारे अणु हैं और कई सारे अणु आपस में संघनित हो रहे हैं, यानी इसमें जल के अणु का विलोपन होगा। संघनन का अर्थ जैसा हमने देखा कि एक ये अणु है, ऐसा ही एक और अणु है, तो उसका H और इसका OH ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जल के अणु के रूप में ये बाहर निकलेगा। तो इस तरह से एक क्रॉस लिंक संरचना, यानी ये लंबी चेन तो बनेगी, दूसरी लंबी चेन भी बनेगी और दोनों के बीच में ओ से बंध बनेगा। यहाँ पर जब क्रॉस लिंक संरचना बनती है तो ये देखिए इस तरफ से बॉन्ड है, फिर SI, R और SI के नीचे फिर O, फिर SI, R और SI से इस तरफ O, फिर इस SI से O और फिर SI, फिर R, फिर O और फिर SI और SI के बीच में एक O। तो हर SI के बीच में आप देखिए कि O से ये जुड़ा हुआ है, तो अल्टरनेट है SI, O, फिर SI, फिर O, फिर SI, O और SI, और हर एक SI से RR जो है वो जुड़ा हुआ है और इस चेन को हमने ख़त्म नहीं किया है। हर जगह पर ये एंड जो है वो खुला हुआ है। इसका अर्थ है कि ऐसा ही एक लंबा क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर पूरा बनता जाता है लगातार। तो यहाँ हम केवल एक यूनिट को दर्शा रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक क्रॉस लिंक्ड, एक द्विविमीय संरचना का निर्माण होता है। तो ये भी एक प्रकार से सिलिकॉन्स का टाइप हो गया। अगला हम देखेंगे चक्रीय सिलिकॉन। तो चक्रीय सिलिकॉन जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक रिंग जैसी संरचना बनेगी, तो इसमें भी जो एल्किल या एरिल जो प्रतिस्थापी होते हैं क्लोरोसिलेन का, इनका जलपघटन तो कराया जाता है लेकिन इनका जलपघटन नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लंबी चेन नहीं बनानी है, यहाँ पर एक चक्रीय संरचना बनती है। तो इस प्रकार की जो चक्रीय संरचना होती है उसमें जो सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या है वो 3 हो सकती है, 4, 5 या 6। तो जब नियंत्रित परिस्थितियों में जल अपघटन होगा तभी ऐसा संभव है। तो यहाँ जो चक्रीय संरचना बनती है वो इस प्रकार की होगी, SI, SI और SI। तो ये एक बेंजीन जैसी संरचना बनी हुई है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें SI और O अल्टरनेट जुड़ा हुआ है, एक SI फिर O फिर SI, O, SI, O और प्रत्येक SI से दो R जुड़ा हुआ है। तो R2SiO O का एक स्ट्रक्चर है और ऐसा ही यूनिट रिपीट हो रहा है और एक रिंग जैसी संरचना का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो ये चक्रीय सिलिकॉन्स का उदाहरण हो गया। अब हम समझेंगे कि ये जो सिलिकॉन है वास्तव में इनका ये क्यों स्पेशल है, इनके गुण किस प्रकार से अलग हैं जिसके कारण इसका बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार के बंध हैं, जैसे SI,
सी के बीच में बंद है, एस आई ओ के बीच में बंद है, तो इन बंदों की प्रबलता के कारण इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो एल्किल समूह है R, उसकी वजह से ये जल प्रतिकर्षी हो जाते हैं। इन सब गुणों का प्रयोग इनके बहुत सारे उपयोगों में भी किया जाता है और इसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान है वो भी बहुत अधिक होता है। प्रायः देखा गया है कि अम्ल और क्षार जो प्रबल होते हैं उसकी वजह से इसका विबहुलीकरण हो जाता है, मतलब ये जो बहुलक की स्थिति में है ये बहुलक की स्थिति से मोनोमर स्थिति में आ जाता है यदि इसकी क्रिया प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि प्रायः जो केमिकल हैं या ऑक्सीकारक जो यौगिक होते हैं उनके प्रति इसका प्रतिरोधात्मक गुण होता है, ये विद्युत रोधी होते हैं जिसके कारण इसका प्रयोग वाटरप्रूफ जो वस्त्र होते हैं उसको बनाने में भी किया जाता है। शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन वगैरह में जो भी संयंत्र उपयोग में लाए जाते हैं उसमें भी सिलिकॉन्स के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो तेल, ग्रीस, रबर, रेजिन कई रूपों में किया जा सकता है और जो शुष्क क्लोरीन है उसकी क्रिया के द्वारा सिलिकेट के कई एल्किल कंपाउंड्स हैं उनका क्लोरीनीकरण भी किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है, इसके यूजेस जो है वो इसके गुण पर भी आधारित होते हैं। तो चूँकि इसको रबर, तेल, ग्रीस और रेजिन कई रूपों में इसे बनाया जा सकता है तो इसके कई उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। सबसे पहले ये तेल के रूप में जो उपयोग में लाया जाता है सिलिकॉन तेल, तो जो सिलिकॉन तेल है उसका प्रयोग कार पॉलिश करने में और जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें और कई बार तेल में जो झाग आ जाता है उसको रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक ऑयल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कई रूपों में होता है इसलिए इसका प्रयोग भी हम जब अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो कई जगह पर जहाँ जहाँ इनके जिस रूप की आवश्यकता होती है उस आधार पर इस सिलिकॉन्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम देख रहे हैं सिलिकॉन रबर। जो सिलिकॉन रबर होते हैं वो इंसुलेटर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऑक्सीजन मास्क में इसका प्रयोग किया जाता है, कई मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सिलिकॉन रेजिन के रूप में जब उपयोग में लाया जाता है तो वास्तव में ये कुचालक होते हैं और इसी वजह से इसका प्रयोग बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर किया जाता है और उच्च ताप सहन करने वाले जो पेंट होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनेमल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो जलरोधी कपड़े होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो इसका R है, एल्काइल ग्रुप है, वो जल प्रतिकर्षी है, तो इस वजह से इसका यूज़ हम जलरोधी कपड़े बनाने में किया जाता है और कागज़ उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सिलिकॉन्स को हम कई रूपों में प्रयोग में ला सकते हैं। अगला हम सिलिकॉन का ही एक और रूप जानेंगे, सिलिकेट्स। जो भूपरपटी में सिलिकॉन है ये ऑक्सीजन के बाद दूसरा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सिलिकॉन जो प्रकृति में मिलता है वो सिलिकेट्स के रूप में ज़्यादा पाया जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, SiO प्रकार का बंध बनाते हैं और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वही सिलिकेट्स होते हैं। जो ये सिलिकेट्स होते हैं उनका जो मूल यूनिट होता है वास्तव में ये होता है SiO4 4-। तो यहाँ पर सिलिकेट यूनिट जो फॉर्मूला SiO4 4- है इसमें जो सिलिकन होता है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो यहाँ जो सिलिकॉन है वो चतुष्फल की संरचना के आधार पर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और एक सिलिकेट आयन के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो सिलिकॉन है वो चारों तरफ से ऑक्सीजन से जुड़कर चतुष्फल की संरचना बनाती है और एक सिलिकेट यूनिट बनता है। जो ये सिलिकेट यूनिट हैं यही बार बार रिपीट होते हैं, कई प्रकार से ये रिपीट होते हैं, परत के रूप में, श्रृंखला के रूप में, वलय के रूप में, त्रिविमी रूप से कई तरह से ये जुड़ते हैं और कई तरह से जुड़कर इन चतुष्फल की संरचनाओं के साथ ये एक दूसरे से साझा करते हुए एक लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, जाल जैसी संरचना भी बना सकते हैं। तो ये फिर सिलिकेट कई रूपों में पाए जाते हैं। प्रकृति में जो सिलिकेट्स हैं वो कई अयस्कों के रूप में, कई यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं जैसे कि फेल्डस्पार, जियोलाइट,
अभ्रक या माइका, एस्बेस्टास, ऐसे कई रूप हैं जहाँ पर सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं। सिलिकेट के कई प्रकार भी हैं, जैसे ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट, चादर सिलिकेट और त्रिविमीय सिलिकेट। तो ये मुख्य रूप से इसके प्रकार हैं, और जो इसके अलग अलग प्रकार हैं वो इनके SiO4 4- जो यूनिट है उनके आधार पर इसके अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे सरल संरचना है सिलिकेट की, ऑर्थोसिलिकेट आयन, इसे हम SiO4 4- के रूप में देखते हैं। इसमें जो सिलिकेट आयन है उसमें जो सिलिकॉन होता है उसमें प्रत्येक सिलिकॉन ऑक्सीजन से तो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 4- आयन चार्ज है, और यहाँ पर ये देखा गया है कि सिलिकेट इकाई का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो सीधे सीधे एक धातु आयन से जुड़ा होता है। यदि एग्जांपल हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे जिरकॉन जो है इसमें जिंक धातु है, ये जिंक धातु SiO4 यूनिट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो ZnSiO4। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया। विलेमाइट एक जो अयस्क है इसमें देखिए जिंक ट्वाइस लिखा है और SiO4 है, मतलब यहाँ Zn2SiO4 जो विलेमाइट है इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ जो सिलिकेट आयन का ऑक्सीजन है वो धातु आयन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये ऑर्थोसिलिकेट आयन या ऑर्थोसिलिकेट का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पायरोसिलिकेट। जो पायरोसिलिकेट होता है उसका फॉर्मूला है Si2O7 6-। तो यहाँ पर जो दो सिलिकेट इकाइयाँ हैं वो देखिए, इसमें दो सिलिकेट इकाइयों में एक ऑक्सीजन कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, दोनों सिलिकेट आयन को जोड़ने के लिए बीच में कड़ी के रूप में ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ दो सिलिकेट आयन जुड़कर एक पायरोसिलिकेट जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है थार्टेविटाइट। तो इसका जो यौगिक है वो स्कैंडियम यौगिक है, तो स्कैंडियम Sc2Si2O7 Si2O7 6- तो इसका यूनिट है ही, और इसमें स्कैंडियम के साथ जब ये जुड़ रहा है तो Sc2 और ऐड कर देते हैं। इसके बाद है चक्रीय सिलिकेट। तो जैसा नाम से स्पष्ट है चक्रीय सिलिकेट जो आयन होंगे उसमें चक्र के रूप में SiO4 4- यूनिट जो है वो आपस में जुड़ते हैं। तो चक्रीय क्रम में जो SiO4 4- यूनिट जब जुड़ते हैं दो ऑक्सीजन परमाणु हैं वो यहाँ पर उभयनिष्ठ या कॉमन होते हैं, और जब 6 SiO4 4- आयन जुड़ते हैं आपस में SiO3 6 12- आयन यहाँ पे बनता है। तो जब 6 SiO4 4- यूनिट आपस में जुड़ते हैं और यहाँ दो दो ऑक्सीजन जो है वो कॉमन है एक दूसरे के, तो इस तरह से जो एक लंबा चेन बना, एक यूनिट बना, चक्री यूनिट बना, उसमें जो फॉर्मूला होगा वह होगा SiO3 6 और 12- चार्ज है, आयन बना यहाँ पर। और यदि 3 SiO4 4- आयन आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से जो यूनिट बनेगी वो SiO3 3 whole thrice 6-, तो हाफ कर दिए, जैसे 6 जुड़ा था तो हमने देखा 12- आयन है वहाँ पर, और जब 3 सिलिकेट आयन जुड़ते हैं तो ऊपर 6- आयन है, इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 सिलिकेट्स यूनिट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ भी दो दो ऑक्सीजन जो है वो उभयनिष्ठ होता है, और इस तरह से एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 3 के साथ जब जुड़ रहा है तो Si3O9 और 6- आयन ये बनता है, और 3 सिलिकेट आयन के जुड़ने से इस तरह की संरचना का निर्माण हुआ है। अगला हम देखेंगे श्रृंखला सिलिकेट आयन। जो श्रृंखला सिलिकेट आयन है तो ये नाम से स्पष्ट है एक लंबी श्रृंखला बनेगी, तो कई सारे यूनिट जो हैं वो चक्रीय क्रम में नहीं जुड़ेंगे बल्कि श्रृंखला में जुड़ते हैं। तो सिलिकेट आयन जो SiO4 4- है इसके कई सारे अणु चक्र के रूप में नहीं जुड़ते हैं बल्कि श्रृंखला के रूप में जुड़ते जाते हैं। तो इसमें जो दो इकाइयां होती हैं SiO4 4- की उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से उभयनिष्ठ होता है अर्थात कॉमन होता है, तो इस तरह से एक लंबी चेन जैसी संरचना बनेगी, तो या इसे हम पायरोक्सीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं एस्बेस्टास की जो दोहरी परत होती है उसका फॉर्मूला होता है SiO4
ओ इलेवन सिक्स एन माइनस और एस आई फोर ओ इलेवन का होल एन है यहाँ पर। तो ये एक एस्पेस्टास की दोहरी श्रृंखला, दो श्रृंखला जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरह से एक श्रृंखला सिलिकेट आयन का निर्माण होता है। तो इसमें खास बात यह है कि जो दो सिलिकेट्स होते हैं उसमें एक ऑक्सीजन यहाँ कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पोडुमीन जो कि लिथियम के सिलिकेट के रूप में होता है। इसका फॉर्मूला है LiAl SiO3 होल ट्वाइस। तो ये लिथियम का एक अयस्क होता है स्पोडुमीन। इसके बाद है चादर सिलिकेट आयन। तो जो चादर सिलिकेट आयन होगा इसमें एक लंबी शीट जैसी संरचना बन जाएगी, लॉन्ग चेन तो बनेगा ही, साथ साथ में शीट जैसी एक संरचना बनती है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा SiO5 होल एन टू एन माइनस। तो कई सारे SiO4 फोर यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो SiO4 फोर माइनस की यूनिट्स होती हैं उसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु कॉमन होते हैं। तो इसकी संरचना आप देखिए, तीन ऑक्सीजन परमाणु जब कॉमन होगा तो इस तरह से एक लंबा शीट जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और कई सारी ऐसी अनगिनत इकाइयाँ, हमने यहाँ पर होल एन किया है तो इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, कई सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और एक चादर जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगला हम देखेंगे त्रिविमीय संरचना। तो जैसे इसमें नाम से स्पष्ट है त्रिविमीय संरचना, तो इसमें कई सारे जो आयन्स होंगे SiO4 फोर माइनस के, इसमें जो सभी ऑक्सीजन परमाणु है वो सभी के लिए कॉमन होगा। तो सभी जो सिलिकेट्स यूनिट्स होते हैं उसमें चारों ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमन होते हैं। तो चारों तरफ से ये जुड़ेंगे, चारों ऑक्सीजन कॉमन होंगे तो एक त्रिविमीय सिलिकेट संरचना का निर्माण होता है। तो ये चारों ऑक्सीजन के उभयनिष्ठ होने के कारण जो सिलिकेट आयन बनेगा उसे हम त्रिविमीय संरचना के रूप में जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे क्वार्ट्ज, क्रिस्टेलोबेलाइट। तो इसका जो फॉर्मूला है, यदि हम सिंपल फॉर्मूला देखते हैं तो Si2O5 होल एन और ऊपर हम लिखते हैं 2n माइनस। तो कई सारे यूनिट्स जो हैं SiO4 फोर माइनस के, जिसमें चारों ऑक्सीजन उभयनिष्ठ या कॉमन होते हैं। तो इस तरह से एक पूरा त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। अब हम जो ये सिलिकेट्स हैं, जितने भी प्रकार के हमने देखे संरचनात्मक दृष्टि से, तो इन सब का कई जगह पर दैनिक जीवन में उपयोग भी देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा था सीमेंट के बारे में कि सीमेंट का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है, सीमेंट कई सारे जो सिलिकेट्स होते हैं उनका मिश्रण होता है। तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम बाई सिलिकेट, ट्राई सिलिकेट, ये सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो सीमेंट उद्योगों का भी एक अभिन्न अंग होता है सिलिकेट। इसके बाद जो ये क्षारीय सिलिकेट्स होते हैं इनका प्रयोग ग्लू बनाने में किया जाता है और टाइल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ईंट बनाने में किया जाता है, जो पॉटरी उद्योग हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, कांच उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कांच के निर्माण में भी जो सिलिका होता है वो एक कच्चा पदार्थ होता है। तो सिलिका में जो धातु सिलिकेट्स होते हैं या बोरो सिलिकेट्स होते हैं, इन सब का मिश्रण ही वास्तव में कांच होता है। और कई जगह पर भौतिक गुण के आधार पर ये सिलिकेट्स जो हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं। तो इनका प्रयोग जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंसुलेटर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टास में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गुण ऊष्मारोधी का होता है, तो एस्बेस्टास में भी इसका प्रयोग होता है।